हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2024 में अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो उसमें हमें किस प्रकार का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे मेजर रीज़न होता है प्रीलिम्स नहीं निकलने का, स्पेशली फर्स्ट टाइमर का, डैट इज़ कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने क्रिटिकल जो स्टैटिक पोर्शन थे वो छोड़ दिए, आपको फिगर आउट नहीं हो पाया कि कौन से ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से टफ क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से अटैम्प्ट करने हैं, कौन से अटैम्प्ट नहीं करने हैं, और आपको ये लगा पूरा पेपर देखते हुए कि सब कुछ मेरे ज्ञान के बाहर आया हुआ है। जो CGGS का मैंने पढ़ के आया था वो तो ठीक ठाक बना, लेकिन जो मैं IndiaGS कवर नहीं कर पाया वो मुझे कॉस्ट किया। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए तो मेरे आपको यही एडवाइस होगी कि पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और जैसे जैसे आप पोर्शन कंप्लीट करते जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन का पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर CGGS आपने सॉल्व की है तो CGGS को सॉल्व करने के लिए कोई भी जो लोकल पब्लिकेशंस की बुक आते हैं, जैसे प्रतियोगिता सारांश हो गई, कंपटीशन कम्युनिटी की कुछ बुक होगी, एकेडमी की कुछ होगी, वो आप लगा लीजिए। अगर आप IndiaGS वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र लगाना है, और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में घटना चक्र का वो चैप्टर खोल के पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाने वाला एरिया कौन सा है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट कंप्लीट इट, एंड जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन है सबको रट डालिए। दूसरा ये है कि भाई जिन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, सिलेबस भी कंप्लीट है, उनके साथ क्या दिक्कत हो सकती है? तो उनके साथ जो दिक्कत होती है वो बेसिकली अटेम्प्ट्स को लेके होते हैं, जब गिवन की क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आया था। अटेम्प्ट्स क्या था? सबसे पहले तो भाई हो सकता है कि आपने कम अटेम्प्ट किया हो, कम अटेम्प्ट किए करने के जो कॉमन जो कारण होते हैं, जो कॉजेज होते हैं या रीजंस होते हैं, वो ये होता है कि पहला तो भाई आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया मैंने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन बना लिए हैं, 75 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब मेरे को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो वरदान लेके आया हूँ, मुझे 100% एक्यूरेसी का वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा से, ठीक है। दूसरा अंडर कॉन्फिडेंस ये आ गया कि अंडर कॉन्फिडेंस ये आ गया कि आपको रिस्की लगने लगा, है ना, जब क्वेश्चंस ऐसे पोर्शन से आते हैं जो थोड़े से टिपिकली डिजाइंड होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी जैसे ट्राइब्स का इस बार क्वेश्चन आ गया था, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं, और इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आने वाले कई क्वेश्चंस के लिए आपको एक अंडर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको, तो अभी आपको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, इनको लग रहा था भाई पेपर इजी है, चलो और चढ़ के हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस ये हो सकता है कि उसको पता हो कि पेपर इजी आया है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको लग रहा हो कि अगर मैं 80 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं यार, 90-95 तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, तो 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसने खींच दिए होंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया है और उसके बाद भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो इस कंडीशंस में आप लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। एंड ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये हुआ होगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के ट्राइब से जो क्वेश्चन आया हुआ था बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, उसको अटेम्प्ट करने लायक नहीं था। मान लीजिए ऐसे कोई लिटरेचर पूछ देता है जिसमें 4 के 4 ऑथर का नाम आपने नहीं सुना है, तो ऐसे कंडीशन में उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अटेम्प्ट में जो लेस अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए बेसिक यही था कि नॉलेज नहीं था, कंफर्टेबल हो गए, और उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया। जो ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया उनका यही था कि भाई लालची हो गए, जो क्वेश्चन में हाथ नहीं डालना था उसमें भी डाल दिया, और ऑप्शन जहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एलिमिनेट करने थे वहाँ पे नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद जो ओल्ड एक्सपीरियंस के साथ जो दिक्कत आई होगी वो ये आई होगी कि उन्होंने पहले कट ऑफ अज्यूम करके चल गए होंगे, तो 2022 का जो ट्रेंड था, 2023 का जो ट्रेंड था, वो हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया गया हो, वही 2022 वाला इफेक्ट। उसके बाद सिली डाउट और ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट की गई होगी। उसके बाद जो किस्मत कनेक्शन है जिससे सब परेशान है कि आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन और आंसर चेंज हो गया, विलोपित हो गया, तो ये जो बेसिक कंडीशन है जो हो सकते हैं। अब देखो, अब पाप तो हो गया, प्रिलिम्स तो रुक गया, रो भी लिए हो गए काफ़ी, तो अब ये है कि आपको एनालिसिस करना है अपने फेलियर का। फेलियर का एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं आपने लेफ्ट किए हैं, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे, मान लीजिए आपने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो उन 18 क्वेश्चंस को निकालिए, उसको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बांटिए। अब देखिए कि 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों नहीं हुए, क्या नॉलेज के कारण अटेम्प्ट नहीं हुए, या मेरे को नॉलेज तो था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि इसकी ऐसी भाषा थी, ऐसे ऑप्शंस थे, या फिर मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया और 4 के 4 ऑप्शन सही लग रहे थे इस कारण मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया।
दूसरा मान लीजिए आपने 82 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 60 सही हुए थे, 22 रॉन्ग हुए थे, तो उन 22 क्वेश्चंस को निकालिए और उसके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बांटिए। उसका नेचर देखिए क्या है, क्या वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपको नहीं बने, या वो लॉजिकल क्वेश्चन थे जो आपको नहीं बने, या फिर लास्ट टाइम में आपने को लॉजिक लगाना था, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे थे, एक ऑप्शन ना करके दूसरा ऑप्शन आपको कह सकते हैं कि आपको सही लगा एंड वो गलत हो गया। तो इसमें वे फॉरवर्ड ये है कि क्या किया जा सकता है इन केसेस में। अगर आपने क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए और आपको लगता है आपके नॉलेज में कमी है तो पढ़ लो, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस में कमी है तो टेस्ट सीरीज लगाओ, अगर आपको लगता है एलिमिनेशन में कमी है तो हर बार मैं बोलता हूँ यूपीएससी, यूपीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, एमपीपीएससी के क्वेश्चंस लगाओ। मान लीजिए अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो पहले देख लो नेचर क्या है, कि डेटा वाले क्वेश्चन अक्सर मेरे से रॉन्ग हो जाते हैं, करंट अफेयर वाले रॉन्ग हो जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई जब मेरे को पता चला कि मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है तो लगभग अप्रैल से दिसंबर तक मेरे को पता नहीं चला कि क्या क्या चीज़ मेरे साथ दिक्कतें हुई थी। तो सबसे पहले तो ये है कि फरवरी की जो गलती अगले जनवरी में मुझे समझ में आई, और मेरे साथ जो गलती हुई थी वो यही थी कि मैंने कट ऑफ रिज्यूम कर लिया था एक बार अटेम्प्ट करके, बहुत कंफर्टेबल हो गया था क्योंकि इतना हाई कट ऑफ कभी गया नहीं था, ओवर थिंकिंग करके कुछ ईजी क्वेश्चन मैंने गलत कर लिए थे, डबिंग मिस्टेक हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चंस, इंग्लिश पोर्शन देखे थे मैंने, हिंदी पोर्शन नहीं पढ़ा था, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाया कहीं पे, जो क्वेश्चंस थे वो नॉलेज बेस पे नहीं स्मार्टली बन जा रहे थे, तो वो दिक्कत हो गया। रिस्क लेना चाहिए था जो मैंने नहीं लिया कंफर्टेबल होके, एंड सीजीजीएस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, एंड इसके बाद मेरे को जो समझ में आता है दैट इज़ फेलियर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इग्नोरेंस इज। आप फेल हो गए हैं, ठीक है, दुख की बात है, मेरी सांत्वना है आपके साथ, लेकिन जस्ट नो व्हाई डिड यू फेल, एंड व्हाई डिड यू फेल का जो एनालिसिस है वो दोस्तों आएगा आपको इस प्रकार का एनालिसिस करते हुए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस आप कर लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस प्रकार से इस एनालिसिस से हमको यूज़ करना है कंक्लूजन। आपका क्या कंक्लूजन है करंट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपको सही लगी, बुरी लगी, क्या आपने सही किया, गलत किया, एंड फ्रैंक होके अपने ओपिनियन शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि दे आर नॉट अलोन। आई होप दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आशा करता हूँ कि मुझे जितना टाइम लगा 9-10 महीना अपना फेलियर जानने के लिए, उतना आपको नहीं लगेगा। आप लोग इसको 9 दिन 10 दिन में फिगर आउट कर लीजिए, एंड जो भी कंक्लूजन आएगा इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, कीप इम्प्रूविंग, हिम्मत रखिए, रफ फेज है, अच्छा टाइम आएगा। टेक केयर, कीप स्टडिंग, जय हिंद।